सुंदरनगर के भोजपुर बाजार में रविवार रात को लगभग 3 बजे चोरों ने सुनील ज्वेलर्स की दुकान का ताला तोड़कर अंदर रखे चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। वारदात को अंजाम देते हुए वे लोग यहां लगे सीसीटीवी कैमरे की नजर में आ गए, लेकिन उनके मुंह ढके होने के कारण पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि बीच बाजार में इस वारदात को अंजाम दिया गया। स्थानीय व्यापारियों का व्यापार मंडल के प्रति रोष है कि चौकीदार की व्यवस्था व्यापार मंडल के द्वारा नहीं की गई है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि रात के समय पुलिस गश्त बढ़ाई जाए ताकि आगे से ऐसी वारदात को अंजाम ना दिया जा सके। के 3 बजे के बाद और 4 बजे के बीच में हादसा हुआ है और ये गाड़ियां बीच बाजार में लगी हुई है, जिससे कि ऐसा है उन चोरों ने फायदा उठाया, जिसके फुटेज कैमरे में भी कैद है कि मतलब कि जैसे ही चोरों ने ये काम किया तो उन्होंने गाड़ियों का सहारा लेके ये काम हुआ है। नंबर दो ऐसा है, एक तो व्यापार मंडल का कोई भी चौकीदार बाजार में 5-6 महीने से नहीं है, तो और पुलिस की गश्त भी कितने बजे तक आती है, क्या है, कोई सिस्टम नहीं है। कम से कम चौकीदार का एक सहारा होता तो शायद ये हादसा नहीं होता, जिससे कि व्यापार मंडल के व्यापारी सुनील आभूषण के मनोज जी का नुकसान भी हुआ।